नेक्स्ट मेथड है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. ये भी नेचुरल तरीका है. हम यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल तरीके नहीं पढ़ रहे, हम सब नेचुरल तरीके पढ़ रहे हैं जिससे कि लाइट पोलराइज होती है. अब जैसे आपके पास अगर मान लो ये पानी है, डेंसर मीडियम पानी है, लेक है, सी है, कहीं भी खड़े हो, तो मान लो धूप पड़ी हुई है तो रेज आती हैं, आपने देखा होगा उसकी रिफ्लेक्शन पानी के ऊपर से आंख में पड़ती है. अब क्या लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती? होती है. तो लाइट का कुछ हिस्सा मान लो रिफ्लेक्ट कर गया और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट कर गया. तो अगर ये अनपोलराइज लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड हो जाती है, पर वो सारी पोलराइज होती है, कंप्लीटली पोलराइज है, पार्शियल पोलराइज है, वो डिपेंड करता है. हाँ, ये कंप्लीटली पोलराइज भी हो सकती है, तो ये लाइट पूरी तरह पोलराइज हो सकती है. रिफ्रैक्टेड लाइट कभी पोलराइज नहीं होती, वो अनपोलराइज भी होती है, आई भी अनपोलराइज, गई भी अनपोलराइज, इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं है. पर रिफ्लेक्टेड लाइट में ये डॉट 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 का मतलब कि इसमें जो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो एक ही एक्सिस के अलोंग है. तो लाइट ये पूरी तरह पोलराइज हो सकती है अगर किसी खास एंगल पे इसको इंसिडेंट करवाया जाए. इस खास एंगल ऑफ इंसिडेंस को पी बोलते हैं, पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं. तो पोलराइजिंग एंगल वो स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो रेयरर मीडियम में बनेगा, ताकि लाइट जब रिफ्लेक्ट होके बाहर आएगी ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी. ठीक, ये खास एंगल है पी. अब ये पी की वैल्यू क्या होगी? लेकिन अगर आपने वैल्यू पी नहीं रखी किसी इसकी इंसिडेंट लाइट की, फिर लाइट कंप्लीटली पोलराइज नहीं होगी, पार्शली पोलराइज होगी. पर अगर आप कंप्लीटली पोलराइज करना चाहते हो तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पी रखना ही पड़ेगा. और ये पी की वैल्यू निकालने के लिए एक लॉ है, इसको बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ. ये लॉ या एक एंगल, ब्रूस्टर्स एंगल कुछ नहीं है, पी को बोलते हैं. तो एक स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह पोलराइज हो जाती है तो ऐसे एंगल को ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं और लॉ को ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं. और ये लॉ आपको पी की वैल्यू बताता है. पी की वैल्यू का फॉर्मूला बुकलेट ओपन करें, उसमें ये फॉर्मूला नोट करें, म्यू इज इक्वल टू टैन ऑफ पी. जैसे अगर लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, अगर लाइट इंसिडेंट होती है और ये एंगल पी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का म्यू है, तो म्यू इज इक्वल टू टैन ऑफ पी. फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, √3 इज इक्वल टू टैन ऑफ पी, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री. तो ये इसका मतलब, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से वो एंगल निकलता है. अगर आप इस एंगल पर इसको इंसिडेंट करवाओगे तो जाती हुई रे कंप्लीटली दिखेगी आपको पोलराइज्ड.